नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 22 दिसंबर से बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट जारी होना शुरू हो गया। आपको मालूम है कि सबसे पहले क्लास 6-8 का रिजल्ट जारी होता है और उसके बाद कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ विषय का रिजल्ट जारी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि कट ऑफ इस बार आसमान छूरा है, यानी कि आपको मालूम है कि इस ठंड में भी कट ऑफ अभ्यर्थियों के पसीने छुड़ा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने टीचर रजनीश सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने की। जी, थैंक यू सो मच जी। तो आपने भी देखा होगा रजनीश सर, बीते दिन भी रिजल्ट कुछ विषयों का जारी हुआ था, पहली प्रतिक्रिया देखकर क्या हुई? पहले तो जो लोग सिलेक्ट हुए उन कैंडिडेट, कल परसों भी रिजल्ट आया, कल भी आया, उन सभी चयनित विद्यार्थियों को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ। कितने हाई कट ऑफ के बाद भी वो सिलेक्शन ले पाए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना भविष्य के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ हुआ तो मुझे भी चौंकाया कि भाई इतना ज़्यादा कट ऑफ, जैसे साइंस और मैथ में मेरा अनुमान जो था उससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया। और अन्य भाषा को लेकर मुझे उतना ज़्यादा, मैं पहले से बोल रहा था 80-85 जा सकता है, तो भाषा को लेकर उतना ज़्यादा चंभे में नहीं था। या अभी सोशल साइंस का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी अगर हाई कट ऑफ जाए तो मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं चौंकाएगा। लेकिन साइंस और मैथ का पेपर रियल में टफ था और उसका चला गया स्कोर हाई, तो ये मुझे थोड़ा सा चौंकाया। लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि हमारे पास तो 200-300 बच्चों का आंकड़ा है, हज़ारों बच्चे के आंकड़ा है, जो सारे बच्चों का आंकड़ा आयोग के पास है। विद्यार्थी मेहनत से कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सारे बच्चों का आंकड़ा मेरे पास तो था नहीं। तो ऐसे में लोगों ने स्कोर किया और स्कोर बढ़ गया। तो ये इसमें कोई विवाद में मैंने समझाया कि अच्छे बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, पढ़ाई करने आ रहे हैं, पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो ऐसे में उनका स्कोर ज़्यादा हो सकता है। और सबसे बड़ा जो कट ऑफ का जो ऊंचा जाने का कारण रहा, जो मैंने पहले भी बताया था, हिंदी जो भाषा का क्वालिफाइंग नेचर है उसको समाप्त करना। क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे हमारे नज़दीक जो इन्होंने फ़ोन किया, बोला सर मेरा 85 है, 87 है, 92 भी है, 93, और भाषा में 6 मार्क्स। तो ऐसे बच्चे थे बहुत सारे, कम से कम 20-25 मेरे पास फ़ोन आया था, इतना है सर क्या भाषा में कुछ हो सकता है? तो मैं तो अभी तक यही जानता था कि भाषा में नहीं हुआ मतलब बाकी कॉपी चेक ही नहीं होगा आपका। हम बोले नहीं, बिल्कुल आप आशा मत कीजिए, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन उनका किस्मत, आयोग ने उसको अपने कारणों से किस्मत चमक गई उनकी। भाई चलो भाई, स्कोर ज़्यादा था तो आयोग ने, माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि भाई पेपर इतना टफ सेट कर दिए जिसके कारण कि बच्चों को, हम लोग को भी करने में परेशानी हो जाएगी, इसीलिए उसको हम हटा रहे हैं। तो जो भी हो, ये मेन कारण रहा कट ऑफ को ज़्यादा जाने का। और बेहतर बच्चे हैं मार्केट में, अब इस ऐसा नहीं कह सकते कि हम मेरा 65 आ रहा है तो हम सबसे बेहतर था, अच्छे बच्चे हैं मार्केट में। अच्छा रजनीश सर, ये बताइए कि इस बार आपने भी, अब से हमने बात की थी, आपने साफ साफ कहा था कि कट ऑफ 90 पार भी जा सकता है और हमने देखा कि उर्दू का कट ऑफ 90 पार। हाँ बिल्कुल, हमने कहा भी था। और अभी मैथमेटिक्स साइंस का 80 है 6-8 में, 6-8 में संस्कृत का कट ऑफ 79 है जनरल का, जो कि ठीक है। 6-8 में उर्दू का 91, तो उर्दू का ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। लेकिन बच्चे ने स्कोर किया तभी तो कट ऑफ गया। 6-8 में इंग्लिश का कट ऑफ 82 है, 9-10 में हिंदी का कट ऑफ 88 है, 9-10 में संस्कृत का कट ऑफ 85 गया है, मतलब 80 के आसपास के स्कोर को छू रहा है। एक अरेबिक का 43 है, अब मुझे बांग्ला का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि बांग्ला में 6-8 में नहीं, 9-10 में चार विद्यार्थी हैं, एक परीक्षार्थी चार हैं, सीट है 3। अच्छा। तो उसमें हो सकता है कि 50 के नीचे भी सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चे जो ये सोच रहे हैं, गुस्से में हैं, या जो भी उनके अंदर चल रहा है पीड़ा में आने की ज़रूरत नहीं है। शांत मन से अपनी कमियों पर विचार करने की ज़रूरत है। और आगे जो आने वाला रिजल्ट है उसका भी मेरिट कम जाएगा यदि कोई बता रहा है, कि भ्रम तोड़ दीजिए अपना। न तो 9-10 में आने वाले विषय में कमेगा मेरिट, और न ही कमेगा कट ऑफ आपको 11-12 में। 11-12 में भी पेपर टफ पूछा गया, लेकिन फिर भी मुझे अब जैसा पेपर का कट ऑफ जा रहा है, जैसा बच्चों का परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है 70 के पार ही कट ऑफ रहेगा 11-12 में। यानी कम कट ऑफ लेकर के मत चलिए, अब कट ऑफ बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जब जहाँ प्रेडिक्शन था मैथ फिजिक्स में, जिस दिन आया रिजल्ट मैं तो कह दिया कि मैथ फिजिक्स जब हालत ये है तो सोशल साइंस में लगता है 92-93 चला जाएगा। सोशल साइंस में जैसा अगर इतना टफ पेपर में 80 चला गया तो उसमें तो जाना चला ही जाएगा। तो
मैं ये कहूँगा कि बहुत बेहतर तरीके से पेपर किया गया है, आयोग की तरफ से बेहतर परीक्षा ली गई, बिल्कुल ही फेयर तरीके से स्मूथ परीक्षा, बिल्कुल मैंने अविवादित कह सकते हैं, मतलब बेहतरीन पेपर लिया गया और बच्चे पढ़ने वाले थे इसलिए कट ऑफ बढ़ गया। अगर आप 65 स्कोर करते हैं, मेरिट गया 80, तो आप देखेंगे ना कि मेरा 80 क्यों नहीं आया, कौन कौन से सवाल थे जो गलती हो गए। जैसे 120 में अगर आप 70 करते हैं तो 50 सवाल कौन थे जो मेरा गलती था, मेरा 80 क्यों नहीं था। ठीक है, आप ये कहेंगे सर आप खुद ही बैठ जाइए, कितना भी पढ़ के, ऐसा भी कमेंट करेगा बच्चा, खुद पढ़ के बैठिए ना, 80 करके दिखाइए, आप ऐसा कह सकता कमेंट, भाई लड़कों ने स्कोर किया है तभी तो 80 कट ऑफ गया है, मैं पढ़ के दूंगा तो बिल्कुल है कि मैं आशा करूंगा मेरा 90, 95 या 100%। रजनीश सर से हम ये जानना चाहेंगे, क्या रजनीश सर को लग रहा है कि कोई ऐसा विषय है जिसका कट ऑफ 100 पार? अभी तो मुझे कोई विषय ऐसा नहीं लग रहा है 100 पार कट ऑफ जाना चाहिए, लेकिन सोशल साइंस का कट ऑफ 100 पार तो नहीं कर सकते, पर 90 क्रॉस कर सकता है सोशल साइंस 91 तो उर्दू ही क्रॉस कर गया ना, तो सोशल साइंस भी 90 क्रॉस करेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन कम में हो जाए, विद्यार्थी को फायदा मिले, हमको इससे क्या मतलब है। लेकिन बस आप, मैं कहूँगा कि बस अपनी मेहनत को फोकस कीजिए, कमियों को फाइंड कीजिए, क्योंकि तर्कहीन अर्थहीन गॉसिप जो चाय दुकान पर चलता है, कुछ यूट्यूब चैनल पर भी चलता है, प्लीज़ उन गॉसिप से आप दूर रहें, आप पढ़ें मन लगा के अपने कमरे में बैठकर कमियों को, चूँकि इतना जल्दी जल्दी वैकेंसी आ रही है, इतना फेयर एग्जाम हो रहा है, एग्जाम आयोग की तरफ से विद्यार्थी के सारे जो उनका डिमांड है वो सब आयोग पूरा कर रहा है, तो आप मेहनत करेंगे निश्चित तौर पर TRE 1 में नहीं हो तो TRE 3 में आप सिलेक्शन हो जाएगा, हारना मना है बिल्कुल, तो ये हारना मना है और रुकना मना है, रुकना मना है, और मैं कहता हूँ कभी भी समाप्त होने जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ शुरुआत होता है। रजनीश सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि 6 to 8 का रिजल्ट सबसे पहले जारी हुआ था, लेकिन कल आयोग ने यानी कि BPSC ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया, यानी कि दोबारा 6 to 8 का रिजल्ट जारी हुआ। हाँ, एक विषय में जारी किया गया दोबारा रिजल्ट, उसमें 11,059 लोग सेलेक्ट थे पहले, अब 359 और अभी 11,348 लोग हैं, तो उसमें लिपिकीय और टाइप लिपिकीय त्रुटि के कारण, टाइप की त्रुटि के कारण कुछ लोगों का जिला आवंटन गलत हो गया था, आयोग ने कहा कुछ लोगों का जिला आवंटन गलत हो गया था, इस वजह से मैं रिवाइज रिजल्ट, मैं दोबारा उसी रिजल्ट को दोबारा बना के पेश कर रहा हूँ, उसी रिजल्ट को दोबारा। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, 11 बच्चों का रिजल्ट केवल नहीं है उसमें, बाकी लिपिकीय त्रुटि होता रहता है, इसको ये नॉर्मल त्रुटि है, हर जगह होता है, टाइप मिस्टेक हो गया, इस वजह से किसी का नाम ऐड हो गया, किसी का हट गया, या फिर किसी का डबल ऐड हो गया, या फिर जिला आवंटन खुद आयोग ने वहाँ लिखा है जिला आवंटन गलत हो गया था, इस वजह से जारी करना पड़ा, तो ये इसमें भ्रम वाली स्थिति नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे रजनीश सर से, बाकी विषयों का भी रिजल्ट आने वाला है और अब निगाहें टिकी हुई हैं 11th और 12th के रिजल्ट पर, क्या लगता है तो क्या रहेगा रजनीश सर? ये कुछ विषय तो आसान थे 11th 12th में भी, सोशल साइंस में बात करें तो कहीं सोशियोलॉजी था, फिलोसफी था, साइकोलॉजी था, हिस्ट्री, पॉलिटी का पेपर टफ था, तो सारे पेपर टफ नहीं थे, कुछ मॉडरेट लेवल के भी थे, कुछ इजी लेवल के भी थे, तो ये अलग अलग कट ऑफ होगा, लेकिन ये मान सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस विषय का और सबसे कम किस विषय का? ऐसा मुझे लग रहा है हिंदी का कट ऑफ, भाषा का कट ऑफ यहाँ भी ऊपर रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है भाषा वाली कट ऑफ ऊपर रहेगा, और सबसे कम की बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर टफ था, हाँ उसका कम जाना चाहिए, तो कम का मतलब जिस तरीके जैसे हम साइंस मैथ का कर रहे थे सबसे कम जाना चाहिए, तो ये विद्यार्थी आशा ना करें, मैं पिछली बार 60 के आसपास बता रहा था, 70 से नीचे नहीं जाना है किसी भी विषय का, 75 भी जा सकता है, अब विद्यार्थी बस रिजल्ट का वेट कर लें, और प्राइमरी का कटो में बता दूं कि और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना, क्योंकि प्राइमरी में तो पेपर भी आसान था, सीट भी कम है, तो 100 पार तो नहीं होगा, 100 पार 120 में 100 पार थोड़ा ज़्यादा हो जाए, अब देखिए विद्यार्थी बहुत अच्छे अच्छे हैं पढ़ने वाले, 100 पार भी चल जाए तो कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 पार जाएगा, 100 पार 90 पार जा चल ही गया एक विषय का, हाँ इस समय तो बस मैं ये कहूँगा कि खासकर अभी उनके साथ मैं हूँ जिनका नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं उनके लिए जानना चाहती हूँ कि रजनीश सर वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ है या फिर वैसे अभ्यर्थी जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पूरे बिहार के जितने बच्चे हैं सबसे मुझे बराबर प्यार मिला, बिहार ही नहीं जहाँ जहाँ पढ़ाया सब जगह मुझे प्यार मिला है, लेकिन बिहार के मेरे जो भाई बहन हैं, जो मेरे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं, जितनी बहनें हमारी तैयारी कर रही हैं, आपका आपके साथ TRE 1 में भी था, 2 में भी हूँ और TRE 3 में भी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ हमेशा बना रहूँगा।
कोई साथ दे या ना दे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी भी इस भाई को याद कीजिए, आपके साथ हमेशा डटे रहेंगे। एमसीक्यू सेशन या पढ़ाने को लेकर हर जगह आप बिल्कुल घबराइए मत, तैयारी थ्री के लिए लग जाइए बिना इधर उधर की बातों में किए, और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रहें। एक लाइन है, गाने का लाइन हालांकि है, मुझे मैं तो गाना गा नहीं सकता, मेरा गला बैठा है थोड़ा। एक लाइन है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के ही मिलेंगे साए बाहर के। तो कांटों पर चलने के बाद ही साए बाहर के मिलते हैं, आंसुओं के दरिया से पार कर ही मुस्कुराहट के मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। तो बस लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और मंजिल मिलेगी, मुकाम आपको मिलेगा। बस सुना आपने क्या कुछ कहा है रजनीश सर ने, देखिए साफ साफ कह दिया है कि हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, और अगर आप लगे रहिएगा तो मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए।